नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रण बांकुरे में। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव बना हुआ है। वहीं भारतीय सेना ने एलएसी पर पिछले 20 दिन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए 6 नई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। चीनी सेना भारतीय सेना पर हावी होने के वास्ते इन पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहती थी। सरकारी सूत्रों से समाचार एजेंसी ANI को मिली जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त से सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच भारतीय सेना ने मगर हिल, गुरुंग हिल, रिचिन ला, रेजांग ला और मुखपारी और फिंगर चार के पास अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ये ठिकाने अब तक खाली पड़े हुए थे, यहाँ कोई नहीं था। भारतीय सेना की इस पर नजर थी। चीनी सेना के कब्जे में जाने से पहले भारतीय जवानों ने इस पर कब्जा कर लिया। इस तरह एलएसी के पास भारतीय सेना को बढ़त मिल गई है। बता दें कि वही इलाका है जिसे चीन ने जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसी इलाके पर कब्जा करने के कारण चीन को भारत पर रणनीतिक बढ़त मिल गई और भारतीय सेना पिछड़ गई। इन चोटियों का सामरिक महत्व इतना ज्यादा है कि जिसका इन चोटियों पर कब्जा होगा उसका पूर्वी लद्दाख पर कब्जा होगा, ये माना जाता है। इसलिए चीनी सेना भी यहाँ कब्जे की फिराक में थी, मगर उसे मुंह की खानी पड़ी। वहीं चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों को धमकाने के लिए पेंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे से 3 बार हवाई फायर भी किए थे। सूत्रों ने यह भी साफ कर दिया है कि ब्लैक टॉप हिल और हेलमेट टॉप हिल LEC पर चीनी हिस्से में आती है, जबकि भारतीय सेना ने जिन चोटियों पर कब्जा किया है वह हमारी तरफ है। चोटियों पर सेना के कब्जे के बाद चीनी सेना ने रेजांग और रेचिन ला के पास 3000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। इसके अलावा चीनी सेना की मोल्डो गैरिसन भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा पिछले कुछ हफ्तों में अतिरिक्त सैनिकों के साथ पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। लेकिन भारतीय सेना की मुश्तैदी के कारण PLA कुछ नहीं कर पा रही। भारतीय सेना तमाम ऊंची चोटियों पर बैठकर PLA के एक एक हरकतों पर नजर बनाए हुए है, इसलिए PLA को एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि चीन की सेना भी वहां मेजर डिप्लॉयमेंट है, उसने कई इलाकों में स्थायी पोस्ट बना लिए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि LEC पर अभी एक दूसरे पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने का ये खेल चलता रहेगा, क्योंकि दोनों देशों की सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भी जो बातें हो रही हैं उससे कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ रहा है और दोनों देश के बीच अविश्वास की खाई काफी गहरी हो रही है। तो फिलहाल रणबांकुरे में इतना ही। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।